भारत के जो 80-90% जिसको हम क्लेम करते हैं उनका वहां पर 2 या 3% का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। जो लोग बहुत छोटे हिस्से में लोग हैं, 10% के लोग हैं, 5% के लोग हैं, उनका वहां 90% शेयर है, उनका वहां 90% से है, वो 90% बिजनेस कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में हर मौके पर मौजूद है, हमारे लोग नहीं है। तो ये सोच करके हमने सोचा ये ठाना के ये सबकी को सबसे पहले ITPO का मेंबर बनाना है, वो बहुत जरूरी है। तो हम के वो 4-5 लड़के रखते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं 30 से 50 रुपए, कहीं कहीं 100 रुपए वो लेते हैं, कितनी मोटी कमाई। और जो उसका मालिक है वो घर में आराम से AC में बैठा होता है, शाम में आके अपने बच्चों से हिसाब कर ले तो घर चला जाता, मोटा पैसा कमाता है। हमारे लोग जो 90% है वो लेबर में लगे हैं, वो दिन रात मेहनत में पसीना बहाने में लगे हैं, उनको उतने पैसे नहीं मिलते। अभी हमारा काम सबकी का क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें थोड़ा समझना जरूरी है। तो मैं आपको ये बताने में खुशी महसूस करता हूँ कि हमारी थोड़ी सी कोशिश के बाद, मैं अभी प्रगति मैदान है, ये मोदी साहब ने वहाँ बनाया है, वो क्या भारत मंडपम बनाया है, वहाँ एंट्री बड़ा मुश्किल है, आपको पास अंदर फोन कराना पड़ेगा, अंदर कोई आपका आदमी होगा तो पास बनाएगा तो आप अंदर जाओगे, बहुत मुश्किल एंट्री। किसी तरह से जुगाड़बाजी कर करके हम वहाँ अंदर गए, वहाँ अधिकारियों से मिले, उनसे बातचीत किया। हमारे मन में था कि ये जो समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चूँकि इंडिया में जो बिजनेस कार्ड की एक्टिविटीज़ हो रही है, बिजनेस की जो बातचीत हो रही है, बिजनेस जहाँ से आगे बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा स्पॉट ये प्रगति मैदान है। वहाँ पर हर साल एक्सपो लगता है, अलग अलग सेक्शन का, जूते का लगता है, टेक्नोलॉजी का लगता है, चश्मे का लगता है, मेडिसिन का लगता है, हर सेक्टर का एक बहुत बड़ा एक्सपो 2 या 3 दिन का लगता है। और आप उसमें जाएं, आप उसमें जाके देखें, पार्टिसिपेट करें, तो बिजनेस आपको लगेगा कि इंडिया में कितना बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। मगर जब आप उसमें डीपर डाउन जाएंगे, जब उसमें आप बिल्कुल एनालिसिस करने बैठेंगे, ऑब्जर्वेशन करने बैठेंगे, तो पता ये चलेगा कि भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत के जो 80-90% जिसको हम क्लेम करते हैं, उनका वहाँ पर 2 या 3% का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। जो लोग बहुत छोटे हिस्से में लोग हैं, 10% के लोग हैं, 5% के लोग हैं, उनका वहाँ 90% शेयर है, उनका वहाँ 90% से है, वो 90% बिजनेस कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में हर मौके पर मौजूद है, हमारे लोग नहीं है। तो ये सोच करके हमने सोचा ये ठाणा के ये सबकी को सबसे पहले ITPO का मेंबर बनाना है, वो बहुत जरूरी है। तो हमने वहां जाके कोशिश किया, उनसे बात किया, फॉर्म भरवाया, वर्मा जी से बात किया, हमने पैसा जमा कराया, हमें 15 दिन के जूते घिसने पड़े, मगर उन्होंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके ITPO का उन्होंने मेंबर हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बना दिया। क्योंकि अगर उनको मैं कहता कि मैं OBC समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं कहता कि हमारा मकसद कुछ और है, तो वो तो हमें वहाँ एंटरटेन करने वाले नहीं थे, वो तो हमें घुसने भी नहीं देते वहाँ पे। तो बहरहाल अब हमारा जो अगला स्टेप है, वो स्टेप ये है कि समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबकी कैसे एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बने, कैसे और भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में हैं, जो दिल्ली में हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्री में हैं, उसमें वो हमारा समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे मेंबर बने, और मेंबर बन करके हमारे OBC समाज को, ST/ST समाज को, माइनॉरिटी समाज को जोड़ के कैसे फ़ायदा पहुँचाए, ये हमारा विज़न और ये हमारा मिशन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन के लगभग 280 मेट्रो स्टेशन में देखता हूँ जहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था है। मैं जब मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी खड़ा करने जाता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ इसका मालिक कौन है। बहुत रेयर मुझे मिला, कुछ जगह अपने जैसे नेहरू प्लेस में एक दो गुजर भाई हैं, OBC समाज से आते हैं वो, एक आध जगह जाट भाई हैं, एक आध जगह सिख भाई हैं, बाकी हर जगह जहाँ जाए वहीं मिश्रा जी बैठे हैं, वहीं अब क्या बताऊं, आप समझ जाइए कौन बैठे हैं। तो मैंने अपने केजरीवाल सरकार के मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से मेट्रो के जो पार्किंग को एलोकेट करते हैं उनको फ़ोन करवाया
कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो समझे कि कोई मंत्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आ रहा है। तो जब मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया ना, तो वो मुझसे उन्होंने अंदर बुलाया, बहुत नाराज हुए, बोले यार आप तो मंत्रालय को रिप्रेजेंट करने आ रहे थे, तो आप यहाँ मतलब कि हमसे मिलने क्यों आ गए, बड़े नाराज हुए। वो उनका बैकग्राउंड कुछ और था, आप समझ सकते हैं क्या बैकग्राउंड होगा। तो बहरहाल हमने उनसे पूछा, तो बोले साहब पार्किंग चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अरे हमने कहा साहब एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, पार्किंग चलाने में एक्सपीरियंस क्या है। तो उन्होंने ऐसा घेरा बना रखा है, आप पार्किंग में आप समझिए कि वो चार पांच लड़के रखते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, 30 से 50 रुपए, कहीं कहीं 100 रुपए वो लेते हैं, कितनी मोटी कमाई। और जो उसका मालिक है वो घर में आराम से एसी में बैठा होता है, शाम में आके अपने बच्चों से हिसाब कर ले तो घर चला जाता, मोटा पैसा कमाता है। हमारे लोग जो 90% है वो लेबर में लगे हैं, वो दिन रात मेहनत में पसीना बहाने में लगे हैं, उनको उतने पैसे नहीं मिलते जितने एक छोटे से पीटी कॉन्ट्रैक्ट से इनको इतने पैसे मिल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे लोग पार्किंग का ठेका क्यों नहीं ले सकते, हमारे लोग जहां पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज है वहां वो क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें अपने लड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैं उर्दू एकेडमी का मेंबर था, वैसे इस समय मैं चेयरमैन हूं दिल्ली स्टेट बोर्ड्स कमेटी का, तो उर्दू एकेडमी का मेंबर था। तो वहां हमने पूछा, क्योंकि मेरी मन में आ गया सब, मैं जब इतने ओबीसी समाज के साथ रहता हूं तो मैं जहां भी जाता हूं तो पहले सबसे पहले यही एंगल देखता हूं कि भाई ओबीसी समाज का यहाँ आदमी कौन है, एसटीएससी समाज का आदमी कौन है, माइनॉरिटी समाज का आदमी कौन है, ये एंगल से मैं देखता हूं। तो मैंने वहां पूछा कि साहब उर्दू एकेडमी में वो छपता है, किताबें छपती है। तो हमने पूछा साहब ये किताब छापने का ठेका किसको है, तो पता चला वो जो अपर में है उनको है। अरे हमको तो उर्दू भी नहीं आती, बोले उन्होंने तो उर्दू वाले को रखा हुआ है। तो आप समझिए कि उर्दू अकेडमी जहाँ उर्दू वालों को होना चाहिए, उर्दू वाले को ठेका होना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बस यही कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में हमारी पर्सनल कोशिश रहेगी कि एक साल के अंदर में सबकी को गवर्नमेंट के हर प्लेटफॉर्म में मेंबर बनाओ, और एक साल में ओबीसी समाज के 100-200 लोगों को इसमें घुसेड़ के सरकार के जो फायदे होते हैं वो उन तक पहुँचाऊँ। ये हमारा मिशन और ये हमारा विजन है। मुझे आप सभी लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए होगा, आपकी मदद चाहिए होगी।